हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। मैंने आपको फोर्थ चैप्टर शुरू करवाया था, द गैम्बलिंग मैच। वो मैंने आपको टू पार्ट्स में कवर करवाया था, तो उम्मीद है वो आपको समझ में आ गई होगी उसकी सारी स्टोरी। तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर जो लॉन्ग है वो कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गैम्बलिंग मैच में क्या होता है, या फिर युधिष्ठिर एंड उसकी फैमिली के साथ क्या होता है, गैम्बलिंग में युधिष्ठिर कैसे हार जाता है दुर्योधन से। तो आपने गैम्बलिंग की स्टोरी बतानी है, ठीक है। तो द गैम्बलिंग मैच इज़ एन एपिसोड फ्रॉम द महाभारत। पहले आपने बताना है कि जो गैम्बलिंग मैच है वो किसका एपिसोड है, महाभारत का। इट डिस्क्राइब्स हाउ द ईविल ऑफ गैम्बलिंग लेड युधिष्ठिरा टू हिज डॉम। इसमें डिस्क्राइब किया गया कि गैम्बलिंग जो एक बुराई है उसने कैसे युधिष्ठिर को बर्बाद कर दिया। वन डे आ गैम्बलिंग मैच वर ऑर्गेनाइज बिटवीन दुर्योधन एंड युधिष्ठिरा। एक दिन गैम्बलिंग मैच होता है किस किस के बीच में, दुर्योधन और युधिष्ठिरा के बीच में। दुर्योधन कनिंग अंकल, दुर्योधन का जो अंकल होता है जिसका नाम शकुनी होता है, वो बहुत तरीक़ों से चलाकी से युधिष्ठिर को जो है कहीं से भी छोड़ने का मौका नहीं देता। ही गॉट द डाइस मेड इन सच अ वे दैट वन साइड वॉज हैवियर देन द अदर। उसने डाइस इस तरह से बनाया होता है कि उसका एक तरफ भारी होता है दूसरा तरफ हल्का होता है। द मैच बिगिन, मैच शुरू होता है। शंकुनी थ्रू द डिवाइस फॉर दुर्योधन, दुर्योधन की साइड से शंकुनी खेल रहा होता है। सिंस द कनिंग अंकल नो द सीक्रेट ईच थ्रो रिजल्टेड इन अ विन फॉर दुर्योधन। अब डाइस किसका है, शकुनी का। शकुनी ने क्या किया, उस डाइस को एक तरह से भारी बना दूसरे तरफ से हल्का कर दिया, और उसको पता था कि कैसे फेंकना है ताकि वो जीत जाए। दुर्योधन लॉस्ट वन आफ्टर द अदर हिज मैनी प्राइसलेस पोजेशंस। युधिष्ठिर था जो, वो हारता गया हर एक चीज़। ही लॉस्ट अ रोप ऑफ लविंग पियर्स, उसने क्या क्या हारा, मोतियों की एक माला, 1000 jars ऑफ गोल्ड, सोने के हजारों जार्स, कार गोल्ड की बाय 6 वाइट हॉर्सेस जिसमें वाइट हॉर्सेस लगे हुए थे, 1 lakh सिंगिंग गर्ल्स फॉर हिज पैलेस विद देयर रिच रोब्स एंड ज्वेल्स, हिज मैन सर्वेंट्स, वॉर एलिफेंट्स, बैटल कार्स, हॉर्सेस, हिज वास्ट आर्मी एंड ऑल द लास्ट ज्वेल्स आफ्टर हिम विद हिम। युधिष्ठिर सैट बैक इन हिज सीट इन साइलेंट रेंज, ही वॉज स्टीयरिंग हेल्पलेसली बिफोर हिम, बट दुर्योधन वॉज स्माइलिंग इन हिज ट्रम्फ। ट्रम्फ मतलब विक्ट्री। युधिष्ठिर बहुत परेशान हो गया, दुखी हो गया, पर दुर्योधन अपनी जीत से बहुत खुश था। विदुरा वॉज अनेबल टू एंड्योर द सीन एनी मोर। विदुरा जो था वो ये सब कुछ देख ना सका। ही वॉक टू किंग ब्लाइंड किंग, वो अंधे राजा था जो धृतराष्ट्र उसके पास आता है और उसको एडवाइस देता है कि ये गेम को यहीं पे रोक दिया जाए। ही वॉन्ट द किंग दैट इट वुड ब्रिंग रूइन टू द हाउस ऑफ भारता। वो किंग को वार्निंग देता है कि अगर आपने ये गेम नहीं रोकी तो जो भारता का घर है वो बर्बाद हो जाएगा। बट द किंग टर्न अ डीप ईयर ऑफ हिज एडवाइस, पर जो किंग था उसने उसकी बात को नहीं सुना। ही वॉज फीलिंग हैप्पी ओवर द विक्ट्री ऑफ हिज सन, वो अपने बेटे की जीत पे खुश हो रहा था। देन विदुरा ट्राई टू डिसयूज दुर्योधन, फिर वो दुर्योधन को मनाने जाता है, पर दुर्योधन स्पीक मोस्ट इंसल्टली, पर दुर्योधन उसकी बेइज्जती कर देता है। ही कॉल्ड विदुरा सरपट एंड आस्क हिम टू लीव द हॉल, और वो दुर्योधन विदुरा को सरपट एक सांप कहता है और उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। आफ्टर विदुरा हैड लेफ्ट, जब विदुरा वहाँ से जाता है गैम्बलिंग मैच फिर से स्टार्ट होता है और सेम थिंग हैपन्स, पहले की तरह ही दुर्योधन जीत रहा होता है और युधिष्ठिर हार रहा होता है। शकुनी थ्रू द डिवाइस एंड ईच टाइम देर वॉज अ विन फॉर दुर्योधन, शकुनी पासा फेंकता है तो दुर्योधन जीतता है। बाय हिज कनिंग एंड सैक्रिफाइड रिमार्क ही प्रोवोक्ड युधिष्ठिर टू प्ले ऑन एंड ऑन, अपने चलाकी से युधिष्ठिर को बार बार उत्तेजित करके उसको हरा रहे होते हैं। युधिष्ठिर सब कुछ हार जाता है और उसके पास अपना और अपना जो किंगडम होता है वो अकेला रह जाता है, और वो भी एंड में वो हार जाता है। व्हेन विदुरा हियर दिस, जब विदुरा को इस बात का पता चलता है, ही केम बैक इनटू द हॉल, वो वापस आता है। ही वंस अगेन रिक्वेस्टेड धृतराष्ट्र टू स्टॉप द मैच, वो फिर से रिक्वेस्ट करता है किंग को कि इस मैच को रोक दो। बट द किंग टर्नड अवे हिज फेस सेइंग डू नॉट इंटरफेयर, पर किंग उसको ये कहता है कि बीच में दखल मत दो। युधिष्ठिर हैड नाउ नथिंग लेफ्ट टू स्टेक एक्सपेक्ट हिज ब्रदर, अब युधिष्ठिर के पास कुछ नहीं था, उसके भाई थे। And he actually started sticking his brother, और उसने अपने brothers को भी दाव पे लगा दिया। At he last Nakula
ही लॉस्ट निकुला, सहदेवा, अर्जुना एंड भीम वन आफ्टर द अदर। धीरे धीरे करके उसके ब्रदर भी उससे जो होते हैं हार जाते हैं। देन ही स्टेकेड हिमसेल्फ एंड लॉस्ट दिस टाइम टू। फिर वो अपने आप को दाव पे लगा देता और उस पर भी हार जाता है। ऑल द फाइव पांडव्स वर नाउ दुर्योधन स्लेव। अब वो चारों पांचों पांडव किसके नौकर होते हैं? दुर्योधन के। व्हाट अ शेम, कितनी बुरी बात है। बट द मोस्ट टचिंग एंड शेमफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी वॉज येट टू कम। पर अभी तो शेमफुल बात है जो वो आनी बाकी है। शकुनी's mean cruelty was not yet satisfied. शकुनी की अभी जो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी। ही provoked Yudhishthira टू स्टेक हिज वाइफ द्रौपदी। वो द्रौपदी को भी हथियाना चाहता था। यस, सेड Yudhishthira इन अ लो वॉइस। जब शकुनी पहुंचता है कि अब तुम अपनी वाइफ को दाव पे लगाओगे, तो Yudhishthira कहता है हाँ मैं लगाऊंगा, मैं अपनी बिलव्ड वाइफ है जो उसको दाव पे लगाता हूँ। देयर वर लाउड क्राइज ऑफ शेम। तो जो ऑडियंस बैठी थी वहाँ पे दरबार में, वो चिल्ला उठते हैं फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। द ओल्ड Bishamba हाइड हिज फेस इन हिज हैंड। Bishamba जो वहाँ पे होता है वो अपना मुंह छुपा लेता है। बट Dhritarashtra स्टिल रिमेन साइलेंट। पर अभी भी वो किंग जो होता है चुप करके बैठा होता है। शकुनी थ्रू द डाइस फर्स्ट। शकुनी पासा फेंकता है, उसको तीन और पाँच टोटल मतलब आठ आते हैं। Yudhishthira डाइस फेंकता तो उसको छः और एक आता है, मतलब सात आते हैं। इस तरह से वो द्रौपदी है जो वो भी दुर्योधन की नौकर बन जाती है। इस तरह से ये सारी गेम जो चलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि गैम्बलिंग मैच के बारे में लिखो, तो आपको ये सारा क्वेश्चन लिखना होगा। नेक्स्ट है पांडवाज और द्रौपदी बिकम कैसे बने थे स्लेव। अब मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ा दिया पहला, तो उसमें ही कवर हो गया, पर फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन ट्रांसलेट कर देती हूँ। Yudhishthira had lost all his possessions and all his kingdom to Duryodhana in the gambling match। वो अपना सारा धन दौलत, अपना किंगडम, सब कुछ हार चुका था। He had now nothing to stake। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था दाव पे लगाने के लिए। But then he suddenly turned on Shakuni and said, पर वो शकुनी बोलता है I will pay you with my brother। कहता कि मैं तुम्हें अपने ब्रदर दूंगा। Nakula I stake for my kingdom। Nakula को मैं अपने किंगडम के लिए भेजता हूँ। The dice was thrown and once again it was Shakuni who won। जब डाइस फेंके गए तो शकुनी फिर से जीत गया। Here is Sachadeva। कहता दूसरा ब्रदर आ रहा है, फिर उसके बाद तीसरा आया। तो Nakula एंड Sachadeva आर माइन, Yudhishthira कहता है। बट यू नो दे आर द सन ऑफ माधुरी। अब शकुनी कहता है कि तुमने वो दोनों भाई भेज दिए, Nakula और Sachadeva, ये दोनों तो तुम्हारी मैत्रेयी माँ के बेटे थे। तुम्हें यू डोंट डेयर टू स्टेक अर्जुना एंड भीम हु आर द सन ऑफ कुंती। कुंती मतलब तुम्हारी खुद की जो माँ है उसके दो बच्चे हैं, जो उनको नहीं तुम भेजोगे, तुम्हारे जो रियल ब्रदर हैं। सौतेली माँ के तो तुमने भेज दिए। Yudhishthira say that it was Shakuni's clever move to divide the five brothers। Yudhishthira कहता है कि ये शकुनी का चाल है कि वो हम पांचों भाइयों को अलग करना चाहता है। फिर गुस्से में कहता है कि मैं अर्जुना को भेजता हूँ, वो मेरे ब्रदर और किंगडम को वापस लेके आएगा। डाइस फेंका जाता है, शकुनी फिर से जीत जाता है। फिर वो भीम को भेजता है, फिर शकुनी जीतता है। इस तरह से वो अपने आप को भी दाव पे लगा देता है और फिर वो क्या करता है, शकुनी जीत के जाता है और सभी पाँचों पांडव जो होते हैं वो उसके नौकर बन जाते हैं। बट द मोस्ट टचिंग एंड शेमफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी वॉज येट टू कम। अब ये लास्ट वाला पैराग्राफ जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था, वो फिर से वापस यहीं पे उन्होंने एडजस्ट किया है, ठीक है। वो आपने एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा गैम्बलिंग मैच। ये भी सेम है वैसे ही, Yudhishthira के वर्ड में गैम्बलिंग मैच क्या था, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। दुर्योधन का आपने करेक्टर स्केच लिखना है, हमें उससे क्या शिक्षा मिलती है। दुर्योधन वॉज अ सन ऑफ Dhritarashtra। Dhritarashtra का लड़का था वो। ही वॉज विक्ड बाई नेचर, चलाक था नेचर से। ही वॉज ऑल्सो वेरी ग्रीडी, लालची भी बहुत था। ही वॉन्टेड टू डिनाई एवरीथिंग टू द पांडव्स। वो पांडव्स को कुछ भी नहीं देना चाहता था। हिज ब्लाइंड फादर, उसके जो अन्य फादर थे, अंधे थे फादर Dhritarashtra, वो ब्लाइंड थे अपने बेटे की फॉल्ट्स पे, मतलब उसको अपने बेटे में जो कमी है वो दिखाई नहीं देती थी। इन इट वॉज विदुरा हु कुड प्रॉपरली रीड द इंटेंशंस एंड नेचर ऑफ दुर्योधना। विदुरा को दुर्योधन की सारी चाल्स का पता था। ही वॉन्ट किंग Dhritarashtra अगेंस्ट द ग्रीट एंड विकेडनेस ऑफ हिज सन दुर्योधन। वो वॉर्न करता है Dhritarashtra को कि उसके लालच है और विकेडनेस है जो उसके दुर्योधन में
ही एडवाइस द किंग नॉट टू सपोर्ट दुर्योधन ब्लाइंडली अगेंस्ट द पांडव. वो कहता है कि आप दुर्योधन को अंधे होकर पांडव्स के अगेंस्ट मत सपोर्ट करो. ही एडवाइस धृतराष्ट्र टू स्टॉप द डेंजरस गेम ऑफ डाइस बिकॉज शकुनी वॉज चीटिंग युधिष्ठिरा. वो कहता है कि वो जो गेम खेल रहे हैं वो शकुनी उसमें चीट कर रहा है, तो आप उनको रोको. विदुरा गेव हिज बेटर एडवाइस फियरलेसली. उसने ये अपनी एडवाइस जो है कड़वी एडवाइस दी. दिस वॉज अ बेटर एडवाइस टू द किंग. ये किंग के लिए बहुत कड़वी थी. दुर्योधन वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टिव टू विदुरा. विदुरा की उसने बहुत इंसल्ट की दुर्योधन ने. ही एंगरली इंसल्टेड विदुरा हु वॉज हिज अंकल. वो विदुरा को इंसल्ट करता है जो कि उसका अंकल होता है. ही ब्लेम हिम फॉर ऑलवेज फेवरिंग द पांडव. वो उसको कहता है कि तुम अंकल तो मेरे हो पर हमेशा फेवर किसकी करते हो, पांडवों की करते हो. ही कही कॉल्ड हिम अ स्नेक इन द ग्रास. वो कहता है कि तुम तो एक सांप हो, दूध हमसे भी पीते हो और हमको ही डस रहे हो. धृतराष्ट्र टोल्ड विदुरा टू लीव द कोर्ट. वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ. दस दुर्योधन ग्रीड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैटल ऑफ महाभारत. ये दुर्योधन का ही लालच का जिसकी वजह से महाभारत हुआ था. धृतराष्ट्र अलाउड हिज विक्ड सन टू डू एज ही लाइक. धृतराष्ट्र अपने बेटे को कुछ नहीं कहता था, उसका जो मन में आता था वो करता था. हिज ग्रीड एंड विकेडनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटेस्ट वॉटल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ये दुर्योधन का ही लालच था और चलाकी थी जिसकी वजह से इंडिया की हिस्ट्री में इतनी बड़ी वॉर जो है लड़ाई है वो हुई थी. ठीक है बेटा, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे. आपने करना क्या है, आपने एक फोर्थ क्वेश्चन लर्न करना है इसमें से. थर्ड क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन सेम है, सेकंड क्वेश्चन सेम है. ठीक है, तो आपने फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये तीनों क्वेश्चन लर्न करने हैं. ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी. तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो. ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाएंगे. ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे. अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो.